यूट्यूब में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाकर पाएं प्रमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। लातेहार जिले के हिरहंज प्रखंड में पारा शिक्षकों ने लाठीचार्ज किए जाने और पारा शिक्षकों को न्यायिक हिरासत में भेज दिए जाने के विरोध स्वरूप मुख्यमंत्री रघुवर दास का शनिवार को सामूहिक रूप से पुतला दहन किया। हिरहंज के बस स्टैंड में एकत्रित होकर पारा शिक्षकों ने सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की और मुंहतोड़ जवाब देने की अपनी प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। सरकार से हम लोगों का एक ही मांग है कि छत्तीसगढ़ के तर्ज पर हमारी सेवा स्थायी की जाए और हमारे पारा शिक्षकों को वेतन मान दिया जाए। हमारा प्रमुख मांग यही है। जिस प्रकार से हमारे पारा टीचर आज 16 वर्षों से आंदोलनरत है और हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग है कि हमारी सेवा स्थायी की जाए और जब बीजेपी शासित अन्य राज्यों में जब वेतनमान दिया जा रहा है उनकी सेवा स्थायी की गई है तो फिर हमारे झारखंड सरकार के पास ऐसी क्या स्थिति आई है जो हमारे सेवा को स्थायी नहीं करती है, हमारे समान कार्य के बदले समान वेतन नहीं दे पा रही है और हमारे ऊपर 15 नवंबर को जो स्थापना के दिवस दिन हमारे पारा शिक्षकों के ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया है और बेरहमी से पीटा गया है। इसलिए हम लोग आज यह रघुवर दास का पुतला दहन कर रहे हैं और उसके विरोध में हम लोग आज रैली प्रदर्शन कर रहे हैं।